शिंदे जी डरो मत, भले ही आपके आजू बाजू कुछ सेकुलर कीड़े मकोड़े बैठ गए होंगे, लेकिन उन कीड़े मकोड़ों के बारे में मत सोचो। जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र में राज करेगा। हमें सरकार की निंदा नहीं करना है, लेकिन हमें सरकार के हाथ मजबूत करना है। और हमारे एक नाथ शिंदे जी जो हिंदूवादी मुख्यमंत्री है, उनको कहना है इस मंच के माध्यम से कि महाराष्ट्र का ही नहीं पूरे भारत का हिंदू आपके साथ है, मुक्त करिए मलंगगढ़ को। शिंदे जी किसका डर है, किसका डर है? अरे हमारी सभाओं को रोका जा रहा है, किसका डर है? हमारे ऊपर एफआईआर की जा रही है, किसका डर है? हमें महाराष्ट्र में आने से रोका जा रहा है, किसका डर है? शिंदे जी डरो मत, हम आपके साथ हैं। जब बुलाओगे तब हम आपके पास आएंगे, जहां बोलोगे वहां जाएंगे, जिस क्षेत्र में बोलो उस क्षेत्र में जाकर रहकर आपके हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। भले ही आपके आजू बाजू कुछ सेकुलर कीड़े मकोड़े बैठ गए होंगे, लेकिन उन कीड़े मकोड़ों के बारे में मत सोचो। जो हिंदू हित की बात करेगा वही महाराष्ट्र में राज करेगा। ये बात अगर इस बार चुनाव में अगर हम 400 पार कर देते हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता मेरे मित्रों, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता। जहां पर देखो वहां पर किसी फकीर की दरगाह बनाकर लैंड कब्जा, मुंबई जैसे क्षेत्र में बड़े बड़े कॉस्टली लैंड पर कब्जा, जहां देखो वहां पर पंक्चर की दुकान लगाकर कब्जा। अरे जगह तो कब्जा हो रही है ये दिख रहा है। अरे मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किले जीते हैं, उन 370 किलों में 100 किलो ऐसे हैं जहां पर किसी फकीर की दरगाह या मस्जिद बन चुकी है। मेरे मित्रों, मैं आज एएसआई डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू उस किले पर भगवा झंडा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हिंदू झंडा लेकर जाता है तो इस हिंदू के ऊपर गुनाह दाखिल करते हैं। और वही मुसलमान अगर किसी फकीर के ऊपर कपड़ा चढ़ाने जाता है तो उसका स्वागत करते हैं। मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि चुनाव बहुत नजदीक है यहां पर। कब है चुनाव? नवंबर दिसंबर, उससे पहले ये 100 किलो पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उसको साफ कर दे। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पर हरा कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ भगवा ही भगवा दिखना चाहिए। ये मैं हमारे देवेंद्र भैया जी से और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अरे बोलने वालों याद रखना, आज हम लोग जिहाद की पीड़ा से रो रहे हैं। लोग जिहाद पर प्रतिबंध लगे, कानून बने महाराष्ट्र में, ये सरकार को चीख चीख कर महाराष्ट्र का हिंदू कह रहा है। लेकिन पता नहीं क्यों अब तक महाराष्ट्र में लव जिहाद के ऊपर, धर्मांतरण के ऊपर, लैंड जिहाद के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर कानून क्यों नहीं बन रहा है, ये अफसोस होता है। अरे आज हम दंगे की चोट पर कहते हैं, हम हिंदू अगर इकट्ठा हो जाए तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये हम चीख चीख के कह रहे थे। लेकिन आज नहीं लगता है, नहीं लगता है हम
नहीं लगता है मेरे मित्रों। भले ही ये धर्म सभा है, लेकिन चुनाव की दृष्टि में भी हमें देखने और समझने की आवश्यकता है कि हमारा हिंदू किस प्रकार से पट गया और लव जिहादी किस प्रकार से इकट्ठा हो गया, ये सोचने और समझने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।